नमस्ते बाबा जी नमस्ते जी जी मैं आसम से बोल रहा हूँ जी बोलिए मुझे पहले से जो कफ की प्रॉब्लम थी आ, तो अभी कुछ पहले से मैं नियमित रूप से प्राणायाम कर रहा हूँ और अभी कफ्स का कुछ प्रॉब्लम मेरा कम हुआ है लेकिन उस कफ की वजह से मैं पहले से जो आ, चूर्ण वगैरह लेता था बहुत दिनों से मैं चूर्ण लेता था चून की चूं खाने से लगातार खाने की वजह से मुरा कमजोर हो गई चलो उसके हाँ, लिए पेट साफ करने का चूर्ण खाते होंगे ना हाँ हाँ मैंने बार, बार बार हाँ। कहा है फिर से एक बार लास्ट में एक बार आह्वान कर रहा हूं पेट हाँ। साफ करने वाले चूर्ण जो बार बार खाते हैं उनमें 99 नाइन परसेंट चोर्णों के अंदर सनाए पत्ती होती है और उससे आते कमजोर हो जाते हैं फिर कोलाइटिस और फिर लीवर आते स्टमक ये रेस्पोंड ही नहीं करते बहुत बुरी हालत हो जाती है तो पेट साफ करने वाले चोर लगातार ना खाएं एक तो ये फिर कहेंगे हाँ। जी पेट जादी रहता इंडाइजेशन रहता तो क्या करें सुबह उठकर के आंवला एलोवेरा पिए खाने के बाद या पुनर्नवारिष्ट या लोहा सव आदि ले कपाल भाती हाँ। प्राणायाम करें इससे अच्छा होता है पेट जहां तक सर्दी जुकाम का प्रश्न है इम्यूनिटी कमजोर है तो गिलोय घनवटी बेस्ट है इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता और मैं आज कह रहा हूं जैसे जो बातें मैंने 25 साल पहले कही थी आज सारी दुनिया उन बातों को मान रही है और योग को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया क्यों उससे फायदा होता है ऐसे ही गिलोय को अमृता कहा है माने करीब चार लाख से ज्यादा जड़ी बूटियां पेड़ पौधे वनस्पतियां उसके ऊपर पूज्य आचार्य भारत जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके विश्व भेषण संहिता वर्ल्ड हर्ब इंसाइक्लोपीडिया तक लिख डाला है उन सारी औषधियों में गिलोई सबसे अच्छी औषधि है दो दो गोली सुबह से हम ले लीजिए सर्दी जुकाम का एलर्जी डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू प्लेटलेट की कमी सारी चीजें एक साथ समाधान हो जाता है और कब्ज भी दूर होता है मोटापा भी और सुगर भी तो आप गिलोई का सेवन जरूर करें इससे बहुत लाभ होगा आपको